हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। 1 अगस्त 2022 से डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन सीरीज स्टार्ट हो रही है। यह डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स डिस्कशन की क्लास होगी, आप लोगों को रोज़ सुबह 5:30 बजे एक क्लास मिल जाया करेगी। हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स 2 वर्जन में पढ़ रहे हैं। एक जो वीकली बेसिस पर MCQ सीरीज आती है वो रहेगा, वो वीकली बेसिस पर रहेगा, और ये जो डेली बेसिस पर रहेगा ये करंट अफेयर्स डिस्कशन की क्लास रहेगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर MCQs नहीं है, यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। और इस सीरीज को आप लोग पकड़े रहना, ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये पहली क्लास होगी और इस क्लास को मैं अभी अपलोड कर दूंगा, बाकी जो कल से आपको वीडियो मिलेंगे वो 5:30 बजे मिल जाया करेंगे। और हम लोग को UPPSS RO/RO के लिए भी काम करना है, हो सकता है दिसंबर तक पेपर हो जाए। RO/RO के लिए जो भी हम लोग क्लास करेंगे दिसंबर तक, वो प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है काली बेन। ये पंजाब की एक पवित्र नदी है। न्यूज़ में रहने का कारण ये था कि जो CM है पंजाब के, उन्होंने इस नदी का पानी पी लिया था तो वो बीमार हो गए थे। भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप किया जाता है इस नदी में, तो आपको ध्यान रखना है काली बेन के बारे में। ये पंजाब की एक नदी है, पूछ लेगा किस स्टेट की है। गुरु नानक देव जो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, इनको यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी नदी में ये स्नान भी करते थे, ठीक है। दूसरा टॉपिक है राज्य विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज की बैठकों की रैंकिंग। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस राज्य की विधानसभा की सिटिंग्स सबसे ज़्यादा हुई हैं, बैठकें सबसे ज़्यादा हुई हैं। पहला स्थान केरल का है, 20 सेशन टोटल हुए, 20 सेशन में 61 सिटिंग हुई हैं, 61 बैठकें हुई हैं। द्वितीय स्थान उड़ीसा का रहा है और तृतीय स्थान कर्नाटक का रहा है। तो ये नई तरीके की रैंकिंग है, ध्यान रखना। तीसरा टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन यानी SCO। अभी हाल ही में विदेश मंत्रियों की यहाँ पर बैठक हुई है, चाबहार बंदरगाह का यहाँ पर जिक्र हुआ है, इसके चलते हम लोगों को चाबहार के बारे में सीखना है। और SCO की मीटिंग 2023 में भारत चेयरमैनशिप कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितनी है SCO की, 8 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से पाकिस्तान और इंडिया सबसे लेटेस्ट है। सबसे लेटेस्ट में मतलब आजकल में नहीं हुई है, काफ़ी समय हो गया। चाबहार पोर्ट ईरान का पोर्ट है जो ओमान की खाड़ी में स्थित है। मैं यहाँ पे सारे मैप भी लगा दूंगा, ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लेना और उसको अच्छे से लोकेट कर लेना, अच्छे से देख लेना। जहाँ जहाँ पे भी मैप की ज़रूरत रहेगी, जहाँ पे इमेजेस की ज़रूरत रहेगी, मैं यहाँ पे सबको इंसर्ट कर दूंगा। चाबहार पोर्ट अगर ऑपरेशन में आ गया तो इससे बहुत बड़ी एक कनेक्टिविटी बन जाएगी, भारत से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के काबुल तक। इस पोर्ट के ऑपरेशन के बाद ईजी एक्सेस हो जाएगा। इसी के बगल में पाकिस्तान में एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, इसके बारे में भी याद रखा करें। ग्वादर पोर्ट पर चाइना काम कर रहा है, हम चाबहार पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सांसदों के निलंबन के प्रावधान यानी सस्पेंशन। अभी हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा में कुछ MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड किए गए, तो हम लोग को यहाँ पर देख लेना है कि इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है या फिर यहाँ पर संसद के अपने रूल हैं, किसके अनुसार इनको सस्पेंड किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न तो कुछ नहीं है, संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है इनके सस्पेंशन पर। सस्पेंशन जो होता है वो संसदीय प्रक्रिया और आचरण के नियम अनुसार होता है, यानी संसद की जो प्रोसीजरल रूल बुक है उस नियम के अनुसार, उन नियमों के अनुसार अध्यक्ष और सभापति इनको सस्पेंड कर सकते हैं। तो आपने अधिकार सीख लिया, अध्यक्ष का है, लोकसभा की बात होगी तो स्पीकर की बात होगी और राज्यसभा की बात होगी तो सभापति की बात होगी। सभापति कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। संविधान में लोकसभा स्पीकर का उल्लेख किस आर्टिकल में है, 93, और सभापति का किस आर्टिकल में उल्लेख है, आर्टिकल 89, याद रहेगा। सांसदों को सस्पेंड करने का जो ग्राउंड बनता है वो कार्रवाई में बाधा डालना होता है। इनके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं, अभी जो रिसेंट का रीज़न था वो ये था। यहाँ पर संसद राज्यसभा और लोकसभा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79, राज्यसभा का उल्लेख 80, लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81। भारत की एक संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे, ये आर्टिकल 79 में लिखा है। इसी तरह से आप ये तीनों आर्टिकल याद रखें। गूगल मैप ने लॉन्च कर दिया भैया स्ट्रीट व्यू इंडिया में, आप खिड़की के अंदर भी झांक के देख सकते हो, लेकिन ये हर जगह व्यवस्था नहीं हुई है। अभी 10 ही शहरों में लॉन्च किया गया है। वैसे भी अभी गूगल मैप पर तो ये सब दिखाता ही था ना, लेकिन बहुत नज़दीक से नहीं दिखाता था, अब बहुत नज़दीक से आप देख सकते हैं। ये स्ट्रीट व्यू उतने पास होगा कि आप गाड़ी की नंबर प्लेट भी देख सकते हैं। और ये सब हुआ किस पॉलिसी के अनुसार, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2021, नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2021, आपको यही याद रखना है, ठीक है। कब लाई गई थी ये नीति, पूछ लेगा 2021 में। सरकारी संपत्तियों, रक्षा प्रतिष्ठानों, छावनी,
यहाँ पे स्टूडियो की अनुमति नहीं होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे अलाउ कैसे कर देंगे, अगर यहाँ सब पे भी अलाउ हो गया तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का सवाल आ जाएगा ना। इसके ड्रॉबैक जो हो सकते हैं वो प्राइवेसी को लेके हो सकते हैं, क्योंकि 360 व्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है स्टूडियो में, तो यहाँ पे किसी की प्राइवेसी का मिसयूज हो सकता है, तो ये खतरा तो हमेशा बना ही रहेगा ना। लेकिन इतने बड़े डेवलपमेंट के लिए प्राइवेसी अभी बहुत छोटा इशू है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे भी होंगे जिनसे प्रशासन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है गिफ्ट सिटी में देश का पहला बुलियन एक्सचेंज। ये बुलियन क्या होता है? बुलियन मतलब हाई क्वालिटी का जो गोल्ड सिल्वर वगैरह है, इनको बुलियन बोला जाता है। खासतौर से बार सिल्ली सिक्के के फॉर्म में जो गोल्ड होता है, चांदी होती है, उनको बुलियन कहा जाता है। तो देश को पहला बुलियन एक्सचेंज मिल गया है गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी कहाँ पर? गांधीनगर में, गुजरात में। आपने यहाँ पर बुलियन सीखा, तो बुलियन एक्सचेंज क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली एक बाज़ार, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर खरीदार और विक्रेता सोने चांदी का व्यापार कर सकेंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग ईजी हो जाएगी, सोने की और चांदी की ट्रेडिंग ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है सौभाग्य योजना। योजना पुरानी है लेकिन न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की एक्सेस कराई गई है। सौभाग्य योजना 2017 में शुरुआत की गई थी। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है और अभी भी पूछता रहता है। 2018 टारगेट था इसको कम्प्लीट करने का, लेकिन कम्प्लीट हो नहीं पाया था तो इसको एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, अभी ये योजना एक्सटेंशन में है। यूपी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भी की थी और सारे स्टेट्स ने भी रिक्वेस्ट की थी इसको एक्सटेंड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो एक्सटेंड किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं धन शोधन निवारण एक्ट। और आजकल तो बहुत चर्चा में है ED को लेके, क्योंकि इस कानून को लागू कौन कराता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कराता है, प्रवर्तन निदेशालय कराता है। और ED की जो पावर है, असीम शक्तियाँ हैं, अबाध शक्तियाँ हैं, इन्हीं शक्तियों पर क्वेश्चन उठाया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि भैया आपको इतनी शक्तियाँ देना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इसी स्टेटमेंट को द हिंदू न्यूज़पेपर ने नैरो व्यू कहा है। इसका मतलब है कि द हिंदू का मानना था कि यार जो ED कर रही है उसको करने दो, क्या दिक्कत है, कम से कम पैसा तो सामने आ रहा, लोगों को पता तो चल रहा कौन कितना घपला कर रहा है, कौन कितना फ्रॉड कर रहा है। और ऐसा भी नहीं कि ED जेब में रख ले रही है पैसा, बाकायदा अवैध पैसों का चित्र बन जाता है ED का, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट का ईयर जानना इंपॉर्टेंट है। 2002 आप लोग याद रखें, इस एक्ट ने ED को बहुत ज़्यादा पावर दी हुई है। वो पावर कैसी हैं? संपत्ति की तलाशी की, जब्ती की, जांच की, संपत्ति की कुर्की की, अबाध शक्तियाँ हैं। जैसे थाने में FIR दर्ज होती है तो FIR की जो कॉपी होती है, एक फ़ोटो कॉपी, आरोपी को भी दी जाती है ताकि उसको पता चल सके कि हमने कौन कौन से क्राइम किए हैं। वैसे उसे तो पता ही रहता है लेकिन FIR में भी सब उल्लिखित रहता है, लिखा रहता है। इसी तरह ED की भी एक रिपोर्ट होती है, उसे बोलते हैं ECIR। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, क्योंकि ये बिल्कुल FIR से अलग है। यहाँ पे देखिए ECIR यानी इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ECIR की कोई भी कॉपी आरोपी को नहीं दी जाती है। यहाँ पे देखिए पूरी प्रक्रिया के दौरान आरोपी को अपने खिलाफ लगाए गए आरोप का पता ही नहीं होता, आरोपी को ECIR नहीं सौंपा जाता। तो इस चीज़ को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत है, तो ध्यान रखना ECIR के बारे में। हो सकता पूछ ही ले कि अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा, समाचार पत्रों में रहा ECIR शब्द, इसका क्या मतलब है, क्या है, तो बता देना। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग करते कैसे हैं, मनी लॉन्डर पैसे का कैसे हेर फेर करते हैं। धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है पैसे का रूपांतरण, यानी जो ओरिजिन है पैसे का, आपके अवैध पैसे का, आपने जो पैसा कमाया है अवैध तरीके से, उस सोर्स को छुपाना। और ये छुपाते कैसे हैं? रूपांतरित करके एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, फिर उसको किसी तीसरी जगह भेज देते हैं, ऐसे करके ये चेन चलाते हैं ताकि उसका ओरिजिन छुप सके। देखिए सबसे पहले होता क्या है, पहले मनी को एकत्रित किया जाता है अवैध गतिविधियों से, ये मनी लॉन्डर का काम है। ठीक है, फिर इसको प्लेस किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ये बैंक भी हो सकता है। इसके बाद करते हैं ये लोग लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब है यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह भेजना, फिर तीसरी जगह भेजना, फिर चौथी जगह भेजना, ऐसे ऐसे करके ये ओरिजिन पॉइंट को छुपा देते हैं, कई जगह ट्रांसफ़र करते हैं ताकि ओरिजिन का पता ना लगे। और जब इसका यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट ही छुप गया तो फिर वापस आ जाता है मनी लॉन्डर के पास पैसा, रिटर्निंग ऑफ मनी टू मनी लॉन्डर फॉर स्पेंड। अब यहाँ पे ये काला पैसा सफ़ेद बन गया है ना। ठीक है, तो इस तरीके से मनी लॉन्डर काम करते हैं। तो ये आज के करंट अफेयर्स थे 1 अगस्त के। 2 अगस्त के करंट अफेयर्स आपको कल सुबह 5:30 बजे मिल जाएंगे, आपको रोज़ 5:30 बजे ये वीडियो मिल जाया करेगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।